साथियों, अमरूद हमारे देश का एक प्रमुख फल है। हल्के हरे रंग का अमरूद खाने में मीठा होता है। इसके अंदर सैकड़ों की संख्या में छोटे छोटे बीज होते हैं। अमरूद बेहद आसानी से मिल जाने वाला फल है। लोग घरों में इसका पेड़ लगाते हैं, पर बेहद सामान्य फल होने के कारण ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं होता कि ये स्वास्थ्य के लिहाज से कितना फायदेमंद होता है। अमरूद की तासीर ठंडी होती है। ये पेट की बहुत सी बीमारियों को दूर करने का रामबाण इलाज है। अमरूद के सेवन से कब्ज की समस्या दूर हो जाती है। इसके बीजों का सेवन करना भी स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद होता है। अमरूद में विटामिन सी की पर्याप्त मात्रा होती है, जिससे अनेक बीमारियों में फायदा होता है। साथियों, आज की वीडियो में हम अमरूद खाने के फायदे और नुकसान दोनों के बारे में चर्चा करेंगे। आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो चलिए जानते हैं अमरूद खाने के फायदे। नंबर वन, अमरूद को काले नमक के साथ खाने से पाचन संबंधी समस्याएं दूर हो जाती है। पाचन क्रिया के लिए यह बेहतरीन फल है। नंबर टू, अगर आपके बच्चों के पेट में कीड़े बन गए हैं तो अमरूद का सेवन करना उनके लिए फायदेमंद होगा। नंबर थ्री, अमरूद की पत्तियों को पीसकर उसका पेस्ट बनाकर आंखों के नीचे लगाने से काले घेरे और सूजन कम हो जाती है। नंबर फोर, अगर आपको कब्ज की समस्या है तो सुबह खाली पेट पका हुआ अमरूद खाना फायदेमंद रहता है। नंबर फाइव, अगर आपके मुंह से दुर्गंध आती है तो अमरूद के कोमल पत्तियों को चबाना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। इसके अलावा इसे चबाने से दांतों का दर्द भी कम हो जाता है। नंबर सिक्स, अगर किसी को पित्त की समस्या हो गई हो तो उसके लिए भी अमरूद का सेवन करना फायदेमंद होता है। तो साथियों, अब जानते हैं अमरूद खाने के नुकसान के बारे में, और साथ ही यह जानते हैं अमरूद का सेवन किन लोगों को नहीं करना चाहिए। हाइपोग्लाइसीमिया से पीड़ित व्यक्ति को अमरूद से दूर रहने की सलाह दी जाती है। हाइपोग्लाइसीमिया ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति के शरीर में ब्लड शुगर का लेवल लिमिट से भी कम हो जाता है। हालांकि डायबिटीज में अमरूद का सेवन अच्छा होता है, लेकिन अगर कोई हाइपोग्लाइसीमिया का शिकार है तो वो अमरूद का सेवन ना करें। अमरूद की तासीर ठंडी कही जाती है। ऐसे में अगर किसी को सर्दी जुखाम की परेशानी है तो उसे अमरूद नहीं खाना चाहिए। अमरूद का सेवन उन लोगों को भी नहीं करना चाहिए जिनकी हाल के दिनों में शल्य चिकित्सा यानी सर्जरी हुई हो। दरअसल अमरूद के सेवन से शरीर के जख्म जल्दी भरने में परेशानी होती है, और ऐसे में सर्जरी के जख्म जल्दी नहीं भर पाते हैं और मरीज की सेहत को नुकसान हो सकता है। पेट संबंधी दिक्कतों जैसे डायरिया, गैसोइंटेस्टाइनल की परेशानी आदि में अमरूद का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके सेवन से उल्टी, पेट में दर्द, दस्त, गैस की दिक्कत हो सकती है। स्किन एलर्जी वाले लोगों को भी अमरूद का सेवन न करने की सलाह दी जाती है। अगर किसी को एक्जिमिया है तो उसे भी अमरूद नहीं खाना चाहिए, वरना स्किन की परेशानी और बढ़ सकती है। प्रेग्नेंट महिलाओं और ब्रेस्ट फीडिंग करवाने वाली महिलाओं को भी अमरूद नहीं खाना चाहिए। साथियों, आज की वीडियो के माध्यम से हमने अमरूद खाने के फायदे और नुकसानों के बारे में जाना है। मैं आशा करती हूँ यह जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। ऐसी और स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और वीडियो पर लाइक कमेंट करके अपने सुझाव जरूर दीजिए। थैंक यू।